स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। काफ़ी दिनों से ना दिन में एक सवाल था जो मुझे तंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज सर के पास बैठे हुए हैं तो आज पूछ लेता हूँ, आया हूँ तो इजाज़त है सर? नहीं नहीं, आप प्लीज़ करें। सर, ये एक छोटा सा जो है ना, काफ़ी अखबार में भी ये सुर्खियों में भी ये बात रहती है कि जी साइंसदान चाँद पे गए हैं। अच्छा। और ये जी चाँद पे बहुत 20वीं सदी में ये चले गए थे, लेकिन मुझे मेरा एक नज़रियाती इनसे जो है ना एक इलम की और फैक्ट्स की बुनियाद पे तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक वैसे जो जनरली जो फैक्ट्स की अगर बात करूँ तो मेरे नज़रिए के मुताबिक मैं कहूँ कि जी मुझे नहीं ये लगता कि गए होंगे, क्योंकि वो 20वीं सदी में कहते हैं कि हम फर्स्ट टाइम गए थे और आज 21वीं सदी है और वो भी 2019 हो गया, वो 1960 था, 2019 है, तो मतलब ये 70-80 साल में कोई टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की कि वो तब कौन सी टेक्नोलॉजी के ज़रिए गए थे और आज मतलब कि ये जो अभी तक नहीं जा सके, ये सॉलिड प्रूफ नहीं है। क्योंकि एक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जाती है तो दूसरी उसी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन उसको गलत साबित कर देती है, अगर दूसरी जाती है तो तीसरी गलत। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें व्हाट आई एम फाइंडिंग द आंसर इज कि आप पूछना चाह रहे हैं कि इधर चांस पे हम गए हैं कि नहीं गए हैं। बिल्कुल सर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पे हमारे ऑडियंस को भी मैं कहूँगा कि कमेंट करें, बताएं हम चांद पे गए हैं कि नहीं गए हैं। वैसे अभी रिसेंटली भी कुछ रिसर्च सामने आ रही थी, इंडिया की तरफ से भी आई हैं और पीछे रूस चाइना ये सब उनकी टेक्नोलॉजी है। नासा एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो स्पेस शटल बनाने वाली कंपनी है जो हमारे साइंसदानों को एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर स्पेस में लेके जाती है। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है कि गए हैं कि नहीं गए हैं, कि धोखा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो ये है कि आपने बड़ा अच्छा पिच किया सवाल को कि जब कोई चीज़ बनती है तो वो तरक्की की तरफ जाती है, तो मगर हम चांद पे गए हैं तो अब सफ़र बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा हमें चांद पे जाना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ सामने नहीं आई। यानी कि लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट कि भाई चांद पर एक दफ़ा जाना था, इसके कोई सर्टन रूटीन्स नहीं है, सर्टन रूटीन्स नहीं है इस चीज़ की। लेकिन इसका जवाब ये हो सकता है कि चांद पे आपको पता है कि कोई हमें फ़ायदा नहीं है जा, बस वहाँ पे एक कदम रखना था, उन्होंने रखा, उन्होंने जमाया, वो एक प्रूव किया कि भाई वी आर कैपेबल ऑफ लैंडिंग ऑन एनी अदर सैटेलाइट और एनी अदर प्लेस ऑन द सोलर सिस्टम। लेकिन यू कैन जस्ट से दैट कि इसमें वहाँ पे जाने का मजीद हमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें मजीद हमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, वहाँ पर जाने तक के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा रिक्वायर्ड होता है और बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, खर्चा करने के बाद वहाँ जाते हैं और उसके बाद अगर कोई आउटकम नहीं है, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। नोट स्पेस को स्टडी करने का हमें चांस मिलता है कि हमारे ऑडियंस भी बताएंगे कि क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदा नहीं है, ये वो ज़रूर कमेंट करेंगे हमें। लेकिन व्हाट आई एम थिंकिंग अराउंड है कि वहाँ पे जाने का ऐसा कोई इतना बेनिफिट नहीं है, जैसे मोबाइल बन गया, लोग खरीद रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, कंपनी काम कर रही है, मोटरसाइकिलें ज़्यादा अच्छी बन रही हैं, स्पीड अच्छी बन रही है, लोगों की पहुँच में सब चीज़ें आ रही हैं, शुरू में एक साइकिल की तरह की मोटरसाइकिल से हुई थी और मतलब थिंग्स आर बीइंग डेवलपिंग, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मैं आपको यही चीज़ का जवाब दे सकता हूँ कि चांद पे जो है वो गए हैं नहीं गए हैं, मैं इसके बारे में आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ स्टडीज कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन ये है कि वो जो हमें वीडियोस दिखाते हैं या वो सबूत देते हैं वो मेरा ख्याल है कि लेकिन मेरे ख्याल से आप अब ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो भी गए हैं वो किसी लागतबाजी पे गए हैं या मतलब अपने ईगो को रखने के लिए गए हैं कि हो सकता है कि अमेरिका गए नहीं, हम टेक्नोलॉजी में आ गए, रूस गए नहीं, हम आ गए हैं, तो वो उन्होंने एक प्रोपोगंडा भी हो सकता है, प्रोपोगंडा और इस तरह की चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। फिर चाइना ने भी पता नहीं, अब मैं श्योर नहीं हूँ, चीज़ों मैंने इतना खास भी रिसर्च नहीं किया, लेकिन द थिंग इज के चांद पे गए नहीं गए तो बिग क्वेश्चन आज हम ही ऑडियंस में छोड़ देते हैं। लेकिन एक इंसान ने हजरात का एक मतलब के अगर देखा जाए अमूमन तो हमेशा ही जो है साइंस ने तरक्की की है, ये अलग बात है उसको हमने खर्चा करना या नहीं करना, मतलब हम उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उस मशीनरी को जिससे हम पहले गए थे उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते थे, अच्छा कर, कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, बाय चांस ऐसे कहते हैं पॉपुलेशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो गया हमें जाके रहना पड़े इन केस, तो फिर हमें उस उडर करोले से वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था जो डेवलपिंग हो चुका हो तब से। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल अच्छे नहीं है, वहाँ पे रहने का निज़ाम इतना खास नहीं है,
तो इस लिहाज से वहाँ पे तो रह नहीं सकते ना, वी कैन नॉट लिव, जिस तरह का हमारा ये जमीन का एटमोसफेयर है वो वहाँ पे नहीं है। तो वही मैं आपसे फिर वही पुरानी बात हो गई कि वहाँ पे फायदा नहीं है जाने का कोई, अगर कोई पैसा खर्च कर रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं तो वहाँ पर अगर कोई लेट्स से जाना भी, कोई प्राइवेट कंपनी भी बनी स्पेस क्राफ्ट बनाने वाली, आई डोंट नो ये फ्रांस में कोई फर्क था जिसने ये प्राइवेट कंपनियाँ बनाई, और प्राइवेट कंपनियाँ बनाकर उसने कंपनी बनाकर स्पेस शटल्स बनाए और वो गया स्पेस में लेकर उनको, और बड़ी वो लोगों ने फंड किया उस उसकी कंपनी को, ये भी मैंने एक न्यूज हर्ड की इस पर, यूट्यूब पर वीडियोज भी बनी उससे रिलेटेड। लेकिन द थिंग इज के मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे हवा में तैरना और फिर दूसरे तक पहुँचना जो है वो पॉसिबल हुआ, या हो भी गया होगा तो वो उसको प्रोग्रेस इसलिए नहीं मिली क्योंकि वहाँ पर लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं, तो चांद पे गए हैं या नहीं गए, अभी रिसेंटली इंडिया का वो पता नहीं ज्ञान ज्ञान व्हाटएवर वो बिल्कुल उन्होंने वो चंद्रमा कुछ इस तरीके चंद्रमा टाइप नाम का जो था कुछ आ गया वहाँ पे, तबाह हो गया, उसका वज़ीर आज़म भी मोदी साहब बैठे हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो थिंग्स वॉज देयर। लेकिन ये टोटली मैं ऑडियंस पे कहूँगा कि वो कमेंट करके बता दें फिर क्या लग रहा है उन्हें, चांद पे गए कि नहीं गए, ये या तो ईगो है उनकी या प्रोपोगेंडा के बाद से दैट सब प्रोपोगेंडा या कोई ईगो होगी जिसकी बेस पे बात होती है। लेकिन अगर मेरे पास सर्टेन इशू होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, क्योंकि वो एक ही किस्म के ऑर्गेनाइजेशन का दोनों नासा और इसी तरह की जो उसी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उन्हें जाके पिच करती हैं, उन्हें बताते हैं कि यू आर वो भी एक पैसा लगता है ना, जो आम का पैसा फंड खर्च होता है उस पर रिजल्ट नहीं होते, तो फिर उन कंपनियों पर भी प्रेशर होता है कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है, और ना हेल्थ नहीं कोई रिजल्ट नहीं है, तो फिर उसको कंपनियां झूठ के जिमरे में लाकर भी ये कह देती हैं कि ये देखें। अभी मेरे को यूट्यूब में वीडियो देखी तो पत्थरों के ऊपर ना एस्ट्रोनॉट टाइप बंदा चल रहा था, तो थोड़ी देर बाद उसने कैमरा शुरू किया तो वहाँ से रोड की तस्वीर आ गई, वहाँ से रिक्शा जा रहा था, तो यू नो इस तरह की चीज़ें भी जो है वो सामने आई हैं। बरकैफ ये तो अब हम अपनी ऑडियंस पर छोड़ते हैं कि उनका क्या ख्याल है कि अगर हर चीज़ हर टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हुई है तो ये क्यों नहीं, या ये कभी बनी ही नहीं थी, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, ये आप भी अपने तौर पे सर्च कीजिएगा। राम जी सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर फॉर योर टाइम, अल्लाह खुश रखे आप।